स्टोर ओपन किया, ठीक है। एम एस वर्ड ओपन करने के बाद मैं डिज़ाइन में चला गया और यहाँ पर मेरा कोई ऐसा पैराग्राफ लिखा हुआ नहीं है। चलें इसको ही मैं ले लेता हूँ और यहाँ से मैं डिफरेंट जो है वो डिज़ाइन इसके ऊपर अप्लाई कर सकता हूँ। ये देखें, ये तो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर है इसलिए इसके ऊपर सही अप्लाई नहीं हो रहा। मैं अगर इसको बाहर निकाल दूँ, टेक्स्ट बॉक्स को मैं डिलीट कर देता हूँ। अब ये एक पैराग्राफ मेरे पास लिखा हुआ आ गया, ठीक है। यहाँ से डिफरेंट जो है वो थीम्स हैं, ये थीम्स में दे सकता हूँ इसको। और इसके अलावा यहाँ से ये थीम्स के कलर हैं, ये जब आप बड़ा पैराग्राफ लिखेंगे तो उसमें ये कलर्स जो है वो आपको अप्लाई होते हुए नज़र दिखाई देंगे कि ये कैसे होता है, ठीक है। अब ये थीम्स के कलर यहाँ से देखिए हम चेंज कर लेते हैं। ये अल्फ़ा को भी हमने सेलेक्ट किया हुआ है तो ये भी इसी के साथ ही चेंज हुआ जा रहा है। पूरे पेज का डेटा आपकी थीम के साथ चेंज हो रहा है, ठीक है। उसके बाद फॉन्ट कलर, सॉरी फॉन्ट है, फॉन्ट के डिज़ाइन आप यहाँ से दे सकते हैं। ये वही चीज़ें होम टैब में जो आपने फॉन्ट फॉर्मेटिंग की थी वही चीज़ें आप यहाँ से भी कर सकते हैं, इतनी कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। पैराग्राफ की लाइनिंग की स्पेस, जो लाइनिंग स्पेसिंग है ये भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। ये देखें, डबल लाइन, रिलैक्स, ओपन वगैरह वगैरह, ये चीज़ें भी हमने पहले इनको रीड कर लिया था। ये इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं, डिफरेंट इफ़ेक्ट देखें यहाँ पे चेंजिंग आपको होती हुई नज़र आ रही है। उसके बाद देखें, चलो मैं इसको हटा देता हूँ। आपको जो चीज़ समझानी थी असल वो समझाते हैं कि पेज वाटरमार्क क्या होता है। यहाँ पे देखें, ये आपको शायद नज़र नहीं आ रहा क्योंकि कलर ऐसा है। अब नज़र आ रहे हैं, देखें कस्टम वाटरमार्क में गया। हम डायरेक्ट पिक्चर के वाटरमार्क को ले लेते हैं ताकि ये चीज़ आपको नज़र आए और समझ आ सके, ठीक है। यहाँ से हम सेलेक्ट पिक्चर करेंगे, वर्क ऑफलाइन, क्योंकि ऑफलाइन में हम काम कर रहे हैं। यहाँ से मैं कोई भी पिक्चर सिलेक्ट कर लेता हूँ, मिसाल के तौर पर मैंने ये सिलेक्ट कर ली, ठीक है, और इसको ओके कर दिया। तो देखिए ये मेरे पेज पे आ गई, लेकिन ये नज़र नहीं आ रही, नज़र। अब देखें ये पिक्चर जो है वो आपके बैकग्राउंड में चली गई है, देख रहे हैं। आप इसकी जगह कोई भी पिक्चर जो है वो रख सकते हैं। दोबारा आप देखें इसको कहाँ से रखेंगे, वाटरमार्क में गए। अगर आप रिमूव करना चाहते हैं तो रिमूव कर देंगे इसको, ठीक है, और दोबारा मोर वाटरमार्क। पेज का कलर अगर देना है, यहाँ से पेज का कलर आप दे सकते हैं, ये तो आपको नज़र आ रहे होंगे, लेकिन वाटरमार्क हटा के दीजिएगा क्योंकि वो उस पर उसके सामने ही आ जाएगा। अगर हमने वाटरमार्क हटाना है तो हम रिमूव कर देंगे इसको, ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद पेज बॉर्डर है, पेज बॉर्डर हम अगर यहाँ से देते हैं, देखें बॉक्स सिलेक्ट करेंगे हम, अगर नॉन पे करेंगे आप यहाँ से कोई भी चेंजिंग करते रहेंगे लेकिन वो बॉर्डर अप्लाई नहीं होगा क्योंकि आपने नन किया हुआ है इसको। बॉक्स पर चले जाएँ और यहाँ से आप कोई भी लाइन सिलेक्ट कर सकते हैं, या यहाँ से डिफरेंट कलर इनके आ रहे हैं, कलर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुछ बैकग्राउंड बने हुए आते हैं, ठीक है। ये ऑफिस 97 से लेकर अभी तक यही बॉर्डर इसमें रखे हुए हैं, चेंज इन्होंने नहीं किए। आप इनमें से जो सिलेक्ट करेंगे वो बॉर्डर आपको जो है वो यहाँ पर नज़र आएगा, ठीक है। ओके करेंगे तो ये पेज के बॉर्डर में इस तरीके से आ जाए। वाटरमार्क तो लगा सकते हैं, कलर पे भी लगा सकते हैं, लेकिन क्या है कि कलर पेज का बैक में हो जाएगा, वो सामने आपके नज़र आ रहा होगा ना, इसलिए वो ज़्यादातर वाइट वाले पे लगता है ताकि वो उसके साथ चिपका हुआ नज़र आ जाए, ठीक है जी। Yes, समझ आ गया यहाँ तक।
दोबारा अगर पे इसको चेंज करना है तो यहाँ से आप कलर वगैरह भी आप इसका चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर बॉर्डर चेंज करना है, अगर आप कोई कलर वाला बॉर्डर रखना चाहते हैं तो देखें, कलर वाला बॉर्डर हम रख देते हैं। ये देखें, ये चीज़ें भी आप जो है वो अपने बॉर्डर में रख सकते हैं। इस तरीके से आपका ये बॉर्डर नज़र आएगा, ठीक है जी। ये आपकी डिज़ाइन की चीज़ें थी, ठीक है। ये आपका लेक्चर आज यहाँ तक कंप्लीट हुआ।